Hello students, I am your economics teacher Navdi. We have completed our chapter number 1 of statistics for economics. Today we will start chapter number 2. The name of chapter number 2 is collection of data. There are two sources for collection of data. One is primary sources and other is secondary sources. Firstly, we have to know what is mean by primary sources of collection of data and what is mean by secondary sources of collection of data. So we will understand one by one. Firstly, primary sources. What is primary sources? Primary sources data ko collect karne ke wo wale sources hote hain jab hum first hand data collect karte hain. First hand data collect karne se kya matlab hua? Ki हम खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम किसी और के डेटा पर रिलाई नहीं कर रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मान लो कि मुझे फार्मर्स की इनकम से रिलेटेड डेटा चाहिए, स्टेटिस्टिकल डेटा चाहिए फार्मर्स की इनकम से रिलेटेड, तो मैं खुद डेटा कलेक्ट करूँगी फार्मर्स की इनकम से रिलेटेड, ना कि पहले से जो डेटा किसी ने कलेक्ट किया हुआ है मैं उस डेटा का यूज़ करूँगी. अगर मैं पहले से किसी के कलेक्ट किए हुए डेटा का यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरे लिए सेकेंडरी सोर्स होगा, क्योंकि उसको मैंने खुद ड्रॉ नहीं किया, उस डेटा को खुद कलेक्ट नहीं किया. पर अगर मैं खुद से एफर्ट्स कर रही हूँ, खुद से फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो मेरा प्राइमरी सोर्स होगा डेटा को कलेक्ट करने का. ठीक है, ऐसे ही मान लो कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कि जो एक पर्सन है वो कितना एक्सपेंडिचर करता है, मुझे ये डेटा चाहिए. तो अगर मैं खुद से देख रही हूँ कि हमारी कंट्री में इतने लोग हैं, मैंने कुछ लोगों का सर्वे किया और उनके बेस पे मैं कह रही हूँ कि हमारी कंट्री में जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो इतना है, खुद से अगर मैं फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करके कह रही हूँ, तो वो प्राइमरी सोर्स होगा. पर अगर मैं खुद से डेटा नहीं कलेक्ट कर रही, मैं किसी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास गई, तो उनके पास डेटा होता ही है पहले से, तो मैंने उनसे डेटा की रिक्वेस्ट की कि मैं रिसर्च वर्क कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए ये वाला डेटा चाहिए, और वो मुझे डेटा दे रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने खुद से तो नहीं एफर्ट्स किए ना डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से रिपोर्ट बना के रखी थी, उनके डेटा को मैंने लिया है. ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को जब हम यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, और जब हम खुद से फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी सोर्स होगा डेटा का, वहाँ से हमें प्राइमरी डेटा मिलेगा. प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी डेटा मिलेगा, सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी डेटा मिलेगा. प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड होता है और सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है. ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को जब हम यूज़ कर रहे हैं वो सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी डेटा होगा. नाउ इट इज़ क्लियर टू यू आई होप what is mean by primary source and primary data, or what is mean by secondary source or secondary data. Now we will come to this topic, what is the difference between primary and secondary data. अब primary और secondary data में देखो क्या difference होता है. जो primary data होता है ना वो ज़्यादा original होता है. ज़्यादा original क्यों होता है primary data? क्योंकि इसे हम सोर्स ऑफ ओरिजिन से फर्स्ट हैंड कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा ओरिजिनल है. अब जो सेकेंडरी डेटा हमने कलेक्ट किया वो तो ऑलरेडी कलेक्टेड है ना. अब जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट से हम डेटा लेने गए, तो स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो एक साल पहले वो सर्वे करके डेटा कलेक्ट किया होगा, हम उनसे डेटा आज ले रहे हैं, तो उस बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें उस डेटा में कुछ ना कुछ फ़र्क भी तो आया होगा ना, कुछ चेंजेस भी तो हुए होंगे, तो वो ओरिजिनल नहीं होगा सेकेंडरी वाला, उसमें ओरिजिनलिटी कम होगी. प्राइमरी वाले में ओरिजिनलिटी ज़्यादा होगी. फर्स्ट डिफरेंस ये है. फिर सेकंड डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस होगा. ऑब्जेक्टिव में कैसे डिफरेंस होगा? जो प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के कलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे पर कैपिटा एक्सपेंडिचर चाहिए या मुझे फार्मर्स की इनकम से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो मैं फार्मर्स के पास जाके उनकी इनकम से स्पेसिफिक ही क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है, और अगर मैं सेकेंडरी सोर्स का यूज़ कर रही हूँ तो जिन्होंने मेरे लिए वो डेटा सेकेंडरी है अगर मैं किसी और से ले रही हूँ, पर जिसने फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया था उसका क्या पता उस डेटा को कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, उसने किसी और ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के वो डेटा कलेक्ट किया है पर मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया है, मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है पर मैं डेटा उसी को यूज़ कर रही हूँ,
जिसको किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया है, जब ऑब्जेक्टिव अलग गया है तो डेटा में भी तो फ़र्क आएगा ना, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि जिस बंदे ने पहले उस डेटा को कलेक्ट किया, उसका फोकस था कि जो फार्मर्स है ना उनके वो खर्चा कितना करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस था, तो उसने वो सारा डेटा उसके बेस पर कलेक्ट किया। पर मेरा जो मोटिव है वो ये देखना नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर कितना है उनका, मेरा मोटिव है कि वो कमाते कितना है, इनकम कितनी है उनकी। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो गया ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे जब हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, तब प्राइमरी का यूज़ करना चाहिए। जब हमारा ऑब्जेक्टिव जर्नल है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तब हम सेकेंडरी वाले को भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। जब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, तब कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि तब हमें पर्सनली जा जा के डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, खर्चा भी ज़्यादा आएगा। पर जब हम सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस वो तो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया हुआ है, हमने सिर्फ जाके उसको लेना है, तो वहाँ पे हमारे एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगेंगे, ना टाइम ज़्यादा लगेगा, ना पैसा ज़्यादा लगेगा, और ना ही एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। तो ये तीन मेन डिफरेंस थे बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डेटा इज कलेक्टेड। अब हमें ये तो पता लग गया प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू किया जाएगा और सेकेंडरी के थ्रू किया जाएगा, पर अगर प्राइमरी के थ्रू किया जाए तो जाएगा तो हमें फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करना है, तो हम कैसे करें, क्या तरीके अपनाएं, क्या मेथड अडॉप्ट करें, तो वो क्या क्या मेथड रहेंगे। एक तो है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में भी तीन सब पार्ट्स हैं इसके, तीन तरीके हैं पर्सनल इंटरव्यू में भी। एक है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू लिया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। एक है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, और एक है इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं लोकल सोर्सेज से या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स से, ठीक है। तो इनको वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का क्या तरीका है, हम क्वेश्चनियर्स या फिर शेड्यूल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके भी दो सब पार्ट्स हैं, एक है मेलिंग या फिर जिसको हम क्वेश्चनियर सर्वेस बोलते हैं, या फिर सेकेंड सब पार्ट है इनोमिरेटर्स मेथड। इसके अलावा थर्ड मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। अब मैं आपको वन बाय वन ये सारे एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है हमारा पर्सनल इंटरव्यूज़। अब पर्सनल इंटरव्यूज़ में फर्स्ट सब पार्ट था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। और ये तो हो गया जो कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को या डेटा को। अब एक पर्सन वो भी तो होगा ना जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, हम कलेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई दे रहा है तो वही कलेक्ट कर रहे हैं ना। जो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो रिस्पोंडेंट होता है। तो दो पर्सन हुए, एक इन्वेस्टिगेटर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और एक रिस्पोंडेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा रिस्पोंडेंट के साथ, डायरेक्टली उसको मिलेगा, और उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टिगेटर को वो उससे क्वेश्चंस पुट करता रहेगा ओरली, और जो रिस्पोंडेंट है वो उसको ओरली आंसर करेगा उसके क्वेश्चंस क्या। पर यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, जिसको तरीका पता हो किसी दूसरे पर्सन से इन्फॉर्मेशन निकालने का, ठीक है। वो टॉलरेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पर्सन रिस्पोंडेंट उसने कोई अजीब सा आंसर दे दिया तो वो उस चीज़ को टॉलरेट ना कर पाए इन्वेस्टिगेटर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको इन रिस्पोंडेंट की हर एक बात को सुनना पड़ेगा जो वो कह रहा है, उसकी बात को बीच में नहीं काट सकता, ठीक है। अब ये वाला मेथड आपको इससे पता लग गया कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से, पर ये मेथड सूटेबल कब रहेगा, इसकी क्या सूटेबिलिटी है, कब, सूटेबिलिटी का मतलब कब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। हम इस मेथड को यूज़ करेंगे जब हमारा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत बड़ा नहीं है, लिमिटेड सा एरिया है, मतलब जब हमें बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कुछ लिमिटेड से लोगों से चाहिए, तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों,
क्योंकि अगर बहुत सारे हजारों की संख्या में लोगों से हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो अकेले अकेले पर्सन के पास अप्रोच करना तो मुश्किल हो जाएगा ना, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और कवरेज भी नहीं हो पाएगी इतनी, तो इसलिए तब ये मेथड सुटेबल नहीं रहेगा। सेकेंड है, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। जब हमें बहुत ही ओरिजिनल डेटा चाहिए जिसमें कोई भी इनएक्यूरेसी ना हो, ऐसा डेटा चाहिए, तब हमें इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो बिल्कुल उस इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करेगा और वो ध्यान रखेगा उसको कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, वो क्रॉस चेक करेगा रिस्पोंडेंट के हर क्वेश्चन को। और कब सूटेबल रहेगा ये मेथड, जब इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको सीक्रेट रखना है, जब दो पर्संस के बीच में बात हो रही है तो वो यहाँ पे उन दोनों के बीच में रहेगी, किसी तीसरे के पास नहीं पहुँचेगी। जब ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तब इस मेथड का यूज़ किया जाएगा, जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा चाहिए तब भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा, इस मेथड का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो बिल्कुल भी बायसनेस नहीं यहाँ पे शो करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट जो डेटा है उसका यूज़ करेगा। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी है तब भी ये वाला मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाया जाता है रिस्पोंडेंट के साथ। अब मैंने आपको जब कंसेप्ट बता दिया इस मेथड में है क्या, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, कब ये मेथड सुटेबल है, तो आप मेरिट और डीमेरिट आसानी से इसके कर सकते हो, यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे डाउट आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। नेक्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वाला जो किया वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन थी, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, तो फ़र्क क्या है, डायरेक्ट में इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था, दोनों आपस में मिलके बात करते थे, इंटरव्यू लिया जाता था, पर यहाँ पे जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन से तो हम बात ही नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट ही नहीं करेंगे, जो इन्वेस्टिगेटर है वो उन लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा जो उन लोगों को जानता है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी आपको मुझे पता समझ नहीं आई होगी मेरी ये लाइन, अभी एग्जांपल देती हूँ तो समझ आएगी। जैसे मुझे ना, मैं एक इंडस्ट्री में गई तो मुझे वहाँ के वर्कर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनको कितने वेजेस मिलते हैं, कितने घंटे वो काम करते हैं, क्या उनकी एफिशिएंसी है, और उस सब से रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्कर्स की, ठीक है। तो मैं वर्कर्स, मेरे लिए रिस्पोंडेंट कौन हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं ना, मुझे इन्फॉर्मेशन वर्कर्स की चाहिए, पर मैं वर्कर्स को मिलूंगी भी नहीं, मैं किससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, जो उन वर्कर्स के एम्प्लॉयर है, जो उनका ओनर है, एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉयर से बात करूंगी, एम्प्लॉयर से बात करके, अब एम्प्लॉयर के बाद पास तो अपने वर्कर्स की सारी इन्फॉर्मेशन होगी ही, मैं एम्प्लॉयर से बात करके उनके हर तरह के वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगी। ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मैंने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली और मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ, मैं इनडायरेक्ट पर्सन से मिली। इनडायरेक्ट मीन्स जो एम्प्लॉयर है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि मैं एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन थोड़ी कलेक्ट कर रही हूँ, मैं तो वर्कर्स की कर रही हूँ, मेरे लिए डायरेक्ट तो वर्कर होने थे, वर्कर के साथ मैंने बात ही नहीं की, तो ये इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन लिखा गया वर्ड। तो क्लियर है यहाँ पे, जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे जो उन लोगों को जानते हैं जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक और एग्जांपल देती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे किसी विलेज में जो फार्मर्स रहते हैं ना, उनकी कंडीशन के बारे में जानना है, तो मैं फार्मर्स को मिलूंगी ही नहीं, फार्मर्स के साथ मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूंगी ही नहीं, मैं इनडायरेक्टली उनकी इन्फॉर्मेशन निकालूंगी। कैसे, वहाँ का जो भी सरपंच होगा मैं उनसे मिली और मैंने वहाँ के फार्मर्स की कंडीशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं किया फार्मर्स के साथ, इनडायरेक्टली उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। तो ये मेथड कब सूटेबल रहेगा, जब हमारा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत ही लार्ज है। अब जैसे मान लो मुझे 6-7 विलेजेस हैं, 6-7 विलेजेस के मुझे फार्मर्स की कंडीशन जाननी थी, तो अब मेरे लिए पॉसिबल थोड़ी है कि एक विलेज में ही मान लो कि 200 फार्मर्स रहते हैं, तो 6 विलेजेस में कितने हो गए, 1200। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 1200 फार्मर्स को जाके मिलूं, तो मैंने क्या किया, 6 विलेजेस के 6 सरपंच हैं, मैं सिर्फ 6 सरपंच को मिली,
तो ये मेथड कब सूटेबल रहेगा? जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज है. अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज था ना, कि 1200 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़नी थी, तब मैंने ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लिया, तब ये मुझे मेथड सूटेबल लगा. इसके अलावा कब सूटेबल हो सकता है? जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना कोई मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है. जब कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स, जिनसे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब वो इस हालत इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके, तब हम उनसे इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट करके उन किसी ऐसे पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे जो उन लोगों को जानता है. ठीक है, जैसे मान लो कि जिस पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती अगर, और वो फार्मर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो वो फार्मर्स से बात कर ही नहीं पाएगा. करेगा भी तो फार्मर्स को उसकी समझ नहीं आएगी, फार्मर्स इलिटरेट हैं. ठीक है, तो ऐसे में किसी पढ़े लिखे पर्सन से फार्मर्स की इन्फॉर्मेशन ले लेगा वो उस विलेज के. और उसके अलावा कब ये वाला मेथड सूटेबल रहेगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वाला, जब इन्वेस्टिगेशन का जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. मतलब हमें ऐसी बातचीत करनी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है, जो आम जो लेमैन है, आम आदमी है, वो नहीं दे सकता, तब हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे. इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आप खुद रीड कर सकते हो, और जहाँ डाउट आए आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट है, एक तो देखो डायरेक्ट वाले में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट में, इनडायरेक्ट में नहीं होगा. एक तो ये डिफरेंस हो गया. दूसरा क्या है, डायरेक्ट वाला तब हम यूज़ करेंगे जब इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो लिमिटेड है, इनडायरेक्ट वाला तब करेंगे जब लार्ज है. एक ये डिफरेंस हो गया. और डायरेक्ट वाला तब यूज़ किया जाएगा जब इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट की लैंग्वेज के साथ वेल वर्स्ड है, उसको अच्छे से जानता है, तब वो उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है. इनडायरेक्ट तब किया जाएगा जब इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट की लैंग्वेज के साथ वेल वर्स्ड नहीं है, तब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके निकाल ही नहीं पाएगा इन्फॉर्मेशन, तब उसको इनडायरेक्टली ही इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी. और डायरेक्ट वाला ज़्यादा कॉस्टलियर होता है इनडायरेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि डायरेक्ट में अकेले अकेले पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, और उसके पास जाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट मेथड है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट्स. यहाँ पर क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोरोना की कैसी कंडीशन है पंजाब के जो मेन मेन सिटीज़ हैं, जैसे लुधियाना, जलंधर, पटियाला, इन एरियाज़ में कैसी सिचुएशन है कोरोना को लेके, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो मैं तो यहाँ पेवा में बैठी हुई हूँ, तो मैं कैसे इन्फॉर्मेशन निकालूँगी? मैंने क्या किया, जो लुधियाना में पर्सन रह रहा है ऑलरेडी, वहाँ का लोकल पर्सन, मैंने उसको हायर कर लिया वहाँ पे. वो मुझे टाइम टू टाइम हर 10 दिन में 15 दिन में वहाँ की कैसी कंडीशन है वो बताता रहेगा. फिर एक मैंने पर्सन पटियाला का जो वहाँ का लोकल रहने वाला है उसको हायर कर लिया अपने लिए, वो मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन बताएगा. एक मैंने जलंधर में हायर कर लिया, और ऐसे ही मैंने अलग अलग पर्सनस अलग अलग सिटीज़ में हायर कर लिए जो मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन देंगे. तो ये होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पोंडेंट्स. यहाँ पे मैं खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने नहीं गई, मैंने कुछ लोकल पर्सन्स को अलग अलग एरियाज़ में हायर कर दिया जो मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे. ठीक है, तो ये वाला मेथड कब सूटेबल होगा? जब हमें रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है. ठीक है, टाइम टू टाइम वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज है. अब जैसे मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि मैं एक एक सिटी में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूं. और जो इसके अलावा कब सूटेबल होगा ये मेथड, जब जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियोस, टीवी, ये सारी जो होते हैं ना, ये इस टाइप के मेथड का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. और जब हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, तब ये वाला मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसी और के ऊपर जिम्मेवारी सौंप रहे हैं हमें वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे. तो क्या हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो हमें बिल्कुल 100% सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा? 100% तो तब एक्यूरेसी होगी ना जब हम खुद कलेक्ट करेंगे. जब हम खुद नहीं कर रहे तब एक्यूरेसी का हमें क्या पता कितने परसेंट है. तो
जैसे कोरोना की कंडीशन देखनी थी, तो यहाँ पे कोई ऐसा मुझे ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे 100% ही सही इन्फॉर्मेशन मिले, तो ऐसे केस में मैं इस मेथड का यूज़ कर सकती हूँ। मेरिट्स डीमेरिट्स आप खुद कर लोगे। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। इसमें फर्स्ट मेथड है मेलिंग या क्वेश्चनेयर सर्वेज। इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना उसी को क्वेश्चनेयर बोला गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस डालता है, क्वेश्चंस कुछ टाइप करता है इन्वेस्टिगेटर। वो क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने चाहिए। ऑप्शन टाइप या कोई 5 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक पे टिक करना है, इस टाइप के या स्नो वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे टाइप किए जाएंगे, लिखे जाएंगे क्वेश्चनेयर में। और ये क्वेश्चनेयर्स सेंड कर दिए जाते हैं रिस्पोंडेंट्स के घर पर, उनके एड्रेस पर, और वो रिस्पोंडेंट्स उन क्वेश्चनेयर्स को फिल करके दोबारा इन्वेस्टिगेटर के पास सेंड कर देते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं मेलिंग या क्वेश्चनेयर सर्वेज। ठीक है, अब सेकेंड में, अब ये जो क्वेश्चनेयर मेथड है ये कब सूटेबल रहेगा, जब हमारा स्टडी का एरिया वाइड है, मतलब हमने काफ़ी सारी जब बातें पूछनी है किसी से या काफ़ी सारे लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तब हमारा एक एक के पास जाना पॉसिबल नहीं है, तब हम मेल कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा रीज़न कि कब ये वाला मेथड सूटेबल रहेगा, जब हमारे रिस्पोंडेंट्स पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। अगर वो एजुकेटेड है तभी तो वो क्वेश्चनेयर को पढ़ पाएंगे, अदरवाइज तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो तब ये वाला मेथड सूटेबल रहेगा। सेकंड है इनुमिरेटर मेथड। इनुमिरेटर मेथड का क्या होता है, ये मेथड तब यूज़ किया जाएगा जब हमारे रिस्पोंडेंट अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। जब वो पढ़ना लिखना नहीं जानते तो वो क्वेश्चनेयर को पढ़ भी नहीं पाएंगे, बनाया इसमें भी क्वेश्चनेयर ही जाता है, पर इसमें जो क्वेश्चनेयर होता है इसको रिस्पोंडेंट्स खुद फिल नहीं करेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो कुछ पर्सन्स को अपॉइंट कर देगा, उनको क्वेश्चनेयर दे के रिस्पोंडेंट के घर भेजा जाएगा। ये जो पर्सन्स हैं इनको हम इनोमिनेटर बोलते हैं। ये क्या करते हैं इनोमिनेटर, ये उन पर्सन से रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चन बोल बोल के बताते हैं, वो फिर उनका आंसर देते रहते हैं और ये क्वेश्चनेयर को फिल करते रहते हैं रिस्पोंडेंट्स के बिहाफ पे। तो जो पर्सन रिस्पोंडेंट्स के बिहाफ पे उनसे क्वेश्चनिंग करके उनके रिस्पॉन्सेस को क्वेश्चनेयर में फिल करते हैं, उन पर्सन्स को इनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस मेथड में जो क्वेश्चनेयर होता है ना वो खुद रिस्पोंडेंट नहीं फिल कर रहे, तो ऐसे में वो क्वेश्चनेयर को नेम दे दिया जाता है शेड्यूल का। यहाँ पे उस क्वेश्चनेयर को हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल। और ये वाला मेथड कब सूटेबल रहेगा, ये वाला मेथड सूटेबल रहेगा जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, हमें काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिए से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स अगर हमारे पास हैं तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। क्योंकि जो शेड्यूल बनाना है या क्वेश्चनेयर बनाना होता है ना उसके लिए भी काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं हम कोई भी क्वेश्चंस वहाँ पे डाल सकते, हमें बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चनेयर तैयार करना पड़ता है। और क्वेश्चनेयर तैयार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, फिर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू अगर डेटा कलेक्ट करना है तो कौन कौन से मेथड मैंने आपको आज करवाए, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड और मैंने आपको करवाया इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पोंडेंट्स। उसके बाद आपको क्वेश्चनेयर के दो मेथड्स करवाए गए, एक क्वेश्चनेयर मेथड था मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्वे, और एक था इनुमिरेटर मेथड। ठीक है, अब कल मैं आपको एक तो क्वेश्चनेयर को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसा होता है दिखने में क्वेश्चनेयर, ये बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के थ्रू आप कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ये सारे प्राइमरी मेथड्स हो गए। अब सेकेंडरी सोर्सेज से अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से सेकेंडरी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें सेकेंडरी डेटा मिल सकता है, ये सब कुछ आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।